रेवाड़ी से बड़ी खबरें बता रहे हैं, योगेंद्र यादव का बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, योगेंद्र यादव का बयान सामने आया और विकास चौधरी की जो हत्या आज हुई है उस पर योगेंद्र यादव बोलते नजर आए, ये टारगेट किलिंग है तो तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ये कहना है योगेंद्र यादव का। बड़ी खबर आपको बता दें, किसी राजनेता या नागरिक की हत्या जुर्म है, योगेंद्र यादव ने यह बयान दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि आज दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है विकास चौधरी की, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और इसको लेकर गुस्सा जो है अब लोगों का फूट रहा है, क्योंकि जो लगातार हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर सभी लोग पहले से ही चिंतित थे। कानून व्यवस्था जो है पूरे तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। विकास सेक्टर 9 के हुडा मार्केट में जिम करने पहुंचे थे, उसके बाद विकास अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि विकास पर हमला हो गया। पानी की बोतल उनके हाथ में थी, उसी दौरान हमला विकास पर किया गया है। विकास हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम आपको हम बता रहे हैं। हमलावरों ने ताबड़तोड़ विकास चौधरी पर गोलियां चलाई, विकास पर करीब 12 से लेकर 15 गोलियां दागी गई। गोलियां दो हमलावरों ने चलाई, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक ने चालक की तरफ से तो दूसरे ने दूसरी तरफ से, यानी कि घेर कर गोलियां मारी गई। विकास इसलिए उनकी गर्दन छाती पर सीधे गोली लगी है, दूसरी तरफ कार के शीशे में भी 4 गोलियां लगी है। ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। हमलावर सफेद रंग की एसएक्स में आए थे, 4 हमलावर थे। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में हमलावर कैद हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है, तो पुलिस ने मौत की पुष्टि कर दी है। विकास चौधरी हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम आपको बता दें, घटना सुबह 9:05 पर हुई थी, जब विकास सेक्टर 9 की हुडा मार्केट में जिम करने पहुंचे थे और विकास अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि तभी उन पर हमला हो जाता है। विकास के हाथ में उस दौरान पानी की बोतल भी थी और वहीं उसी दौरान यह हमला हो गया।